हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई ट्रिपल सी कंप्यूटर फंडामेंटल ट्रेनिंग वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अंतरा जैन एंड आई एम योर ट्रेनर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशन एरिया से हम समझते हैं कि कंप्यूटर कौन कौन से फील्ड में आजकल स्कोप कर रहा है, आजकल वर्क कर रहा है और आजकल क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो कौन कौन से फील्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट, आप सब जानते हैं कि घर में, हमारे होम में कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गया है। जैसे कि आप घर पे बैठ के बिल पे कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के अपने रिजर्वेशन सेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ बिल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। तो इस तरह से आपके अलग अलग होम एरियाज़ या होम यूज़ होते हैं जिनमें आप कंप्यूटर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप मेडिकल फील्ड्स में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेडिकल फील्ड्स में आके जितने भी मशीन्स होते हैं वो भी एक कंप्यूटर ही होती है। जैसे कि आप कभी एक्सरे कराने जाते हो तो आप अपना जो एक्सरे का जो प्रिंट आउट लेते हो वो कंप्यूटर के थ्रू आता है। कंप्यूटर में हम अपनी बॉडी के इनर पार्ट्स, इनर एरियाज़ को देख सकते हैं। आप सोनोग्राफी कराते हैं, बेबी के बर्थ से पहले हम उसको देख सकते हैं, उसके हार्ट बीट सुन सकते हैं। तो ये सब कंप्यूटर की मदद से ही हो पाया है। हम अपनी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें हम आसानी से देख सकते हैं इनर पार्ट। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो मेडिकल फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप ले रहा है। एंटरटेन पार्ट में भी काफ़ी स्कोप होता है। जैसे कि सिंपल सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है कि गेम्स खेल सकते हैं हम इसके थ्रू कार्टून्स देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। अगर हमें चाहिए तो हम इसको अपने स्पीकर के थ्रू अटैच कर सकते हैं, अपने पूरे रूम को एक मूवी थिएटर की तरह कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हमारे एंटरटेनिंग में भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। जैसे आप कंप्यूटर पर कार्टून डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको कार्टून बनाने का शौक़ है तो आप कंप्यूटर के थ्रू ये भी कर सकते हैं। आजकल इतने ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं जिसे आप कंप्यूटर बिल्कुल उसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि आप पेपर पेन से करते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो गया है कंप्यूटर का यूज़, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे काम होते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा इतनी जल्दी, इतने फास्ट और इतनी इफ़ेक्टिव तरीके से करना नामुमकिन होता है। आप देख सकते हैं कि आजकल तो जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं, जितने भी घर आर्किटेक्ट होते हैं, वो पहले घर का नक्शा कंप्यूटर पे ही बनाते हैं। पहले वो आपको पेपर पे बनाकर देते थे, लेकिन अब तो वो आपको एकदम 3D इफ़ेक्ट के साथ बिल्कुल कैसा रियल में दिखेगा घर, ये भी आपको वो कंप्यूटर पे पहले दिखा देते हैं। तो इस एरिया में भी कंप्यूटर ने काफ़ी स्कोप किया है। एजुकेशन में कंप्यूटर ने काफ़ी स्कोप किया है। जैसे कि आजकल आप सुन रहे होंगे कि हर स्कूल में, छोटे बड़े स्कूल में स्मार्ट क्लासेस होने लगी हैं। प्रोजेक्टर के थ्रू वो स्मार्ट क्लासेस लेते हैं, जिससे टीचर का लिखने का और वो बिगाड़ने का एफर्ट कम हो जाता है। स्टूडेंट्स को क्लियरली और बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, बच्चे पढ़ाई को इंजॉय के साथ पढ़ते हैं। और जैसे कि कंप्यूटर लैब्स हो गई हैं, अब कंप्यूटर लैब्स प्रोवाइड कराई जाती हैं बच्चों को, तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, कंप्यूटर चलाने में। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन में भी काफ़ी स्कोप हो रही है। हमारे गवर्नमेंट पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बैंक में जाते हैं तो हर एम्प्लॉय के पास एक कंप्यूटर होता है, जिससे वो आपके डाटा, आपके प्रोसेस को जल्दी से सर्च कर सके, आपकी इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोवाइड करा सके इस तरह से। और बैंकिंग में जैसे कि आप ATM जो मशीन है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल है ATM, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें, वो भी एक कंप्यूटर मशीन होती है। और आजकल तो आप कंप्यूटर मशीन यानी ATM मशीन की मदद से ही पैसों को डिपॉज़िट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, और वो आपके अकाउंट में उसी वक्त पहुंच भी जाता है। हमारे बिजनेस में भी बहुत काम आता है। जैसे कि अगर आप कोई डिस्कशन करना है, आपको एक आइडिया देना है कि हमारे बिज़नेस में अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये स्कोप आएगा, तो आप ग्राफिकल वे का यूज़ करके, आप कंप्यूटर के फीचर्स को यूज़ करके उसे काफ़ी क्लियरली आप समझा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है अपने बिज़नेस में, तो आप उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं।
ट्रेनिंग लेने अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि आप कहीं ट्रेनर ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो हर हर स्टूडेंट के पास एक कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको जिससे उसे अच्छे से और एक खुद जब वो खुद हर कंप्यूटर पे पर्टिकुलर बंदा बैठेगा तो वो खुद एक्सेस करेगा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज होती है वो गेन हो जाती है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे ट्रेनिंग थोड़ी वाइड एरिया में होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको हर पर्सन को एक कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाता है, और जो ट्रेनर की एक सिंगुलर स्क्रीन होती है उसके साथ अटैच किया जाता है। तो जो भी वो स्क्रीन पे समझा रहा होता है वो आपकी पर्टिकुलर कंप्यूटर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग फील्ड में काफ़ी काम आता है, आर्ट में काफ़ी काम आता है। आजकल तो इतना ज़्यादा इसका इतना ज़्यादा स्कोप हो गया है आर्ट का, कि टच स्क्रीन कंप्यूटर्स आने लगे हैं, जिसमें आप बिल्कुल जैसे आप अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं, फोटोशॉप एक ऑप्शन होता है उससे आप कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ होता है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी प्रिंटिंग्स बना सकते हैं, कार्टून्स बना सकते हैं, कोई लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। इंजीनियर्स और कंप्यूटर का तो जन्मों का नाता है, आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर और इंजीनियर्स तो बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। साइंस साइंटिफिक या साइंटिस्ट कोई भी काम करते हैं तो कंप्यूटर का यूज़ ज़रूर करते हैं। कोई इंजीनियर है तो वो प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ करता है, जिससे उसकी प्रोग्रामिंग जो है जल्दी लिखे और स्टोर्ड रहे। तो ये सारे फीचर्स होते हैं, एप्लीकेशन एरियाज़ होते हैं, जो जहाँ पे कंप्यूटर हमारा वर्क करता है और जहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इनके बिना ये सारी इन सारी फीचर्स में हम काम करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा फिर। तो इन सारे एप्लीकेशन एरियाज़ का यूज़ करता है यूज़ होता है कंप्यूटर। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे एप्लीकेशन एरियाज़ क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे और पिंटरेस्ट पे। थैंक यू।